वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज 14 मई 2017 को सेकेंड शिफ्ट में हुए SSC MTS एग्जाम के मैथ्स का फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पार्ट में हमने इसके 11 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको प्रीवियस 11 क्वेश्चन देखने हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन बताइए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कोई गोलक है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले, क्योंकि गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, हम सबसे पहले देखते हैं गोलक होता क्या है। तो गोलक ये आपका एक गोला हुआ, इसमें आपका त्रिज्या ये हुआ आर। तो अगर उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो उसका एरिया क्या होता है गोलक का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर उसके आयतन की बात कीजिए, तो यानी कि वॉल्यूम की बात कीजिए, तो वॉल्यूम होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। फिर हमसे बोल रहा है कि गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका फॉर्मूले होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, त्रिज्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 9/4 यानी कि 3/2। त्रिज्या आ गई हमारे 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसके आयतन निकाल सकते हैं, आयतन कितना हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4/3 पाई आर यानी कि 3/2 का क्यूब हो रहा, तो 3/2 × 3/2 × 3/2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, इस तरह से ये हमारा आ गया 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा बोल रहा था कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ से हमने उसका त्रिज्या निकाल दिया, उसका त्रिज्या से उसका आयतन निकाल दिया, तो हमारा आया 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 370,440 हो तो बताइए 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का हमारा क्या तरीका होता है कि हमसे बोल रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 370,440 बोल रखा है कि 3 वर्ष पूर्व, हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी और उसके जनसंख्या में हर ईयर 5% की वृद्धि होती है, तो 3% पूर्व उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो इसका क्या फंडा होता है कि 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 100 / 5% की वृद्धि हो रही है, तो 105 का होल क्यूब। अगर 3 वर्ष बाद पूछा जाता है तो हम 105 / 100 का होल क्यूब करते, बट ये हमसे 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो इसमें हमें क्या करने होंगे, 100 / 105, 5% का वृद्धि तो 105, अगर 5% की कमी आती तो 95 हो जाता, और अगर 3 वर्ष बाद का पूछता है तो 105 / 100 हो जाता। इस तरह से ये हमारा आ गया 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या, तो 370,440 × 100 / 105 इस तरह से ये हमारा हो गया 20, 21, 20, 21 5 से कैंसिल होके 20, 21 उसका 21 से अगर हम इतने सारे को कैंसिल करें तो ये हमारा हो गया 70,640, फिर 21 से हमने कैंसिल किया तो ये हमारा हो गया 840, फिर 21 से कैंसिल किया तो 40। इस तरह से ये हमारे कितना आ गया, तो 32,320,000, 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी, तो 320,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, इसके बनाने के आपके दो तरीके क्या क्या है। एक तो आप चेक करोगे कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर हम डायरेक्टली इन सारे ऑप्शन में चेक कर सकते हैं 88 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर इसका क्या तरीका होता है कि हम 88 / 5 अंकों की सबसे लघुत्तम संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे लघुत्तम संख्या हो गया आपका 5 अंकों की 10,000, उसके बाद हम इसे अगर डिवाइड करें तो ये हमारा हो गया 1 से 88, 2, 10, फिर 1 से किया तो फिर से 88, 3, 2, 0, फिर इसे हम 3 से किए तो ये हमारा हो गया 264, हमारा नीचे में रिमाइंडर बचा 56। तो 3 अंकों की अगर सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो क्या हो जाएगी, 10,000 + 88, बिकॉज हम 88 की निकालने, 88 माइनस
रिमाइंडर कितना बच गया, तो 56। इस तरह से ये हमारा हो गया 10,000 + 32, यानी कि 10,032, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 से 17 के लिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित बार डायग्राम में किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की चालू वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक मदों की बिक्री लाख में दिखाई गई है, ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक बार डायग्राम दी है जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर की चालू वर्ष में अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो बिक्री हुई है लाखों में वो दिखाई गई है, तो इसके इसके आधारित हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए। जैसे कि हमारा अप्रैल में कितनी वृद्धि हुई है, तो 500, अब मई में 250। इस तरह से हमारा ये एक बार ग्राफ शो किया गया है जो कि लाखों में है। अप्रैल में कितनी बिक्री हुई है, तो 450 लाख। इस तरह से ये हमारा दिया गया। तो नीचे हमारे इससे दो क्वेश्चन है 16 और 17, वो क्या होंगे ये हमें निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री से कितना गुना अधिक है। ये हमारा क्या कह रहा है, जुलाई माह में जो बिक्री हुआ है वो मई माह में बिक्री से कितना अधिक है। तो हम देखें जुलाई माह में कितना बिक्री हुआ है, तो 900। मई माह में कितना बिक्री हुआ, तो 300। तो कितना गुना अधिक हो गया, तो 900 / 300, यानी कि 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा औसत मासिक बिक्री लाख में कितनी है। औसत मासिक बिक्री पूछ रहा है लाख में कितनी है, तो अप्रैल में कितनी है आप देख सकते हैं, अप्रैल में हमारा कितना है, तो 500। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 500। फिर हम इसी डायग्राम में देखें मई में तो 300 दे रखा है। इसी तरह से हम सारे मंथ्स का चेक कर सकते हैं, मई के बाद जून का चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे मंथ्स को चेक करो, तो जून में आपका आएगा 800, जुलाई में 900 एंड अगस्त में 1100। तो इनका एवरेज कितना हो गया, तो 1, 2, 3, 4 and 5 / 5 यानी कि 3600 / 5 720, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। औसत मासिक बिक्री लाख में क्या हो गई, तो 720, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 1 लीटर जल का वजन 1 kg है और 1 लीटर एक अन्य द्रव्य का वजन 1.34 kg है। यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो उनके मिश्रण का वजन 1.27 kg पर लीटर हो जाती है। 1 लीटर मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लीटर का जल का वजन कितना है, तो 1 kg। 1 लीटर जल का वजन 1 kg और 1 लीटर एक अन्य द्रव्य उनका वजन 1.340 kg है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो मिश्रण का वजन 1.270 kg हो जाती है। 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1.270 kg हो जाती है। तो दोनों मिश्रण को हम किस किस अनुपात में मिलाए हैं, कितने कितने केजी मिलाए हैं, ये हमसे मतलब कितने के अनुपात में 1 लीटर मिश्रण में उनके कितने अनुपात मिलाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वाटर का कह रहा है कि 1 kg 1 लीटर में 1 kg हो रहा है, एक अन्य द्रव्य अदर द्रव्य जो 1 लीटर में 1.340। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाई एलिगेशन बनाते हैं। 1 लीटर में 1 kg वाटर, 1 लीटर में 1.340 kg अन्य मिश्रण है और टोटल अगर दोनों को मिला देते हैं तो 1.270 kg है 1 लीटर में। तो यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं कि इस मिश्रण में अनुपात कितने का, वाटर कितना मिलाया गया और दूसरे मिश्रण कितना मिलाया गया। तो इसे हम एलिगेट करेंगे। एलिगेट में करना क्या होता है, माइनस। 1.340 - 1.27 हो गया 0.07 एंड 1.270 - 1 हो गया 0.27। इस तरह से इसका रेशियो अगर हम निकाले तो रेशियो हो गया 7:27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 1 लीटर मिश्रण में उनके आयतन का अनुपात क्या हो गया, तो 7:27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 kg चावल 14 रुपये प्रति केजी की दर पर और एक अन्य किस्म के 40 kg चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदता है और उन्हें मिला देता है, उसका 1/3 भाग वो 12.50 रुपीज पर केजी की दर पर बेचता है, शेष मिश्रण वो किस दर पर बेचे कि उसे संपूर्ण परिव्यय पर 25% का लाभ हो। यह हमारा क्वेश्चन बोला कि कोई व्यापारी है जो किसी किस्म के 20 kg चावल को 14 रुपये पर केजी की दर पर खरीदता और एक अन्य किस्म के 40 kg चावल को 10 रुपीज पर केजी की दर पर खरीदता और दोनों को मिला देता है और टोटल को में वो चाहता है कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। अगर वो 1/3 पार्ट को 12.50 पर केजी की दर पे बेचे तो शेष मिश्रण को उसे किस दर पर बेचना हो ताकि टोटल पे उसे 25% का लाभ हो। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसने टोटल चावल कितने में खरीदा। तो टोटल चावल कितने में खरीदा, तो अगर 14 रुपए में 20 kg चावल खरीदा तो
तो 20 केजी चावल वो 14 रुपए पर केजी की दर से 20 केजी चावल खरीदा, तो 20 केजी चावल वो कितने में खरीदा, तो 14 × 20 प्लस अगर 40 केजी चावल 10 रुपए प्रति केजी से खरीदा तो 40 केजी चावल कितने में खरीदा, तो 40 × 10। इस तरह से हमारा आ गया कि ये चावल कितने में खरीदा, तो 680 में हमारा आ गया चावल कितने में खरीदा। और हमारा हम चाह रहे कि हमें टोटल पे 25% का प्रॉफिट हो, तो अगर टोटल पे 25% का प्रॉफिट हो तो उसे हम बेचना कितने बेचेंगे कितने में, तो 620 × 125 / 100 यानी कि 850 रुपीज में हम उसे बेचेंगे। पर कह रहा है कि 1/3 पार्ट को वो 12.50 पर केजी में बेचता है। अगर 1/3 पार्ट को वो बेचता है 12.50 केजी में, तो 1/3 पार्ट उसका हुआ कितना, तो टोटल उसके पास कितने चावल है, तो 20 केजी प्लस 40 केजी यानी कि 60 केजी, तो 60 का 1/3 पार्ट यानी कि 20 केजी। 20 केजी को वो बेच रहा है कितने रुपए में, तो 20 केजी को 12.50 रुपीज पर केजी की दर से बेच रहा है, यानी कितने रुपए में बेचेगा, तो 12.50 × 20 में बेचेगा 20 केजी चावल को, यानी कि 250 रुपए में उसने 20 केजी चावल को बेच दिया। और टोटल चावल को उसे बेचना 850 में, यानी कि उसे बाकी चावल को कितने रुपए में बेचना होगा, तो RS 850 - 250 में यानी कि 600 रुपीज में उसे बाकी चावल को बेचने हैं। बाकी चावल उसके पास बच कितने रहे, तो 20 केजी चावल को तो उसने बेच दिया 250 रुपए में, तो उसके पास बाकी कितने चावल बचे, तो टोटल 60 चावल था, तो उसके पास बचे 40 केजी चावल। 40 केजी चावल को अगर वो 600 रुपीज में बेचे, तो वो 1 केजी चावल कितने में बेचेगा, तो 600 / 40 में यानी कि 15 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कोई व्यक्ति कोई वस्तु 10% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उसे 75 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये हमारा क्वेश्चन करे कि कोई व्यक्ति जो है कोई वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो हमने माना कि उस वस्तु को उसने खरीदा 100 रुपए में, और अगर 10% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 90 में। फिर अगर उसको 75 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर 100 यूनिट का वस्तु है, उसे अगर 20% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता, तो 120 में। यानी कि अगर 10% लॉस पे 90 में बेचता, 20% प्रॉफिट पे 120 में, तो कितने रुपीज ज्यादा में उसे बेचना पड़ता, 10% लॉस की जगह पे 20% प्रॉफिट में बेचेगा, तो उसे 30 यूनिट ज्यादा में बेचना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारा कह रहा है 75 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी कि 30 यूनिट = 75 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, तो क्रय मूल्य हमने माना है 100 यूनिट। तो अगर 30 यूनिट = 75 रुपए, तो 100 यूनिट = 75 × 100/30। इस तरह से ये हमारा हो गया 250 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे डिस्काउंट की वीडियो देख सकते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कोई व्यक्ति अपने वार्षिक आय का 25% भाग मकान किराए पर, 15% भाग बच्चों की शिक्षा पर और 45% भाग अन्य मदों पर खर्च करता है, यदि वह वर्ष में 14,400 रुपए की बचत करता है, तो उसकी कुल आय बताइए। बोल रहा है कि 25% भाग को तो वो मकान किराए पर, और 15% भाग को बच्चों की शिक्षा पर, और 45% भाग को अन्य मदों पर खर्च किया, तो कुल मिलाकर वो कितने खर्च कर दिया, तो 85% तो उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचे कितने परसेंट, तो उसके पास बच गए, सेविंग बच गए उसके पास 15%। तो 15% बच गए, तो 15% और बोल रहा है कि 14,400 रुपये बचत कर रहा है, यानी 15% बराबर हो गया आपके 14,400 रुपीज के। तो पूछ रहा है उसकी कुल आय कितनी होगी, तो कुल आय कितनी थी, तो 100%। तो अगर 15% बराबर 14,400 के, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 14,400 × 100/15 के होगा। इस तरह से अगर हम निकाले तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 96,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था, तो पिता की वर्तमान आयु बताएं। तो हमने माना कि 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स एगो पिता की आयु थी 5x और बेटे की आयु थी 2x, और बोल रहे उनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, तो वर्तमान आयु पिता की कितनी हो गई, तो 5x + 10 प्रेजेंट ईयर, 5x + 10, और सन की हो गई कितनी, तो 2x + 10। बोल रहा है इनके आयु का योग 90 वर्ष है, यानी 5x + 10 + 2x + 10 = 90। यहाँ से हम x = निकाले, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10। तो हमसे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो 5x + 10, तो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 5 × 10 + 10 यानी 50 + 10 यानी 60 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ए एक काम को 5 दिन में करता है, बी एक काम को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको टाइम एंड वर्क के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमने आपको अधिकतर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, तो इसका एक ही फंडा, सबसे बड़ा फंडा क्या, एलसीएम। एलसीएम लिया तो 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जितने हमें करने हैं। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, एलिगेट। एलिगेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5। तो ये हमारे क्या आ गया, इफिशियंसी, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 + 4 यूनिट वर्क करेंगे यानी कि 9 यूनिट। तो कितने दिन में समाप्त होगा काम, तो अगर एक दिन में 9 यूनिट करते हैं और टोटल काम हमें करने 20 यूनिट, तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 9 डेज में यानी कि 2.2/9 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यदि 1/2 ऑफ ए इक्वल टू 2/5 ऑफ बी इक्वल टू 1/3 ऑफ सी हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 1/2 ए इक्वल टू 2/5 बी इक्वल टू 1/3 सी, तो हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने हो, अगर सारे इक्वल्स में, तो क्या होता है, इसके जो न्यूमरेटर में होते हैं वो डिनोमिनेटर में चले जाते हैं और जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो न्यूमरेटर में चले जाते हैं, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 2:5/2:1/3। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो गया 6, तो 2 × 6 सॉरी ये भी हमारा 3 हो जाएगा, 1/3 है तो ये भी चेंज होगा, तो 3 एलसीएम हो गया 2, तो 2 × 2:5/3 × 2 यानी कि 4:5:6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है, तो संख्या बताइए। तो हम सारे ऑप्शंस में अगर चेक करें किनके व्युत्क्रम का औसत 7/12 होगा, वही हमारा आंसर होगा, बिकॉज हमारा दे रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगुना, इस तरह से हमारे चेक करें तो सारे ऑप्शंस इसमें मैच कर रहे, पर कर रहे इनके व्युत्क्रम का औसत 7/12, तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे 1/20 + 1/10 + 1/5, इनका अगर सम निकाले तो सम हो गया 20, ये हो गया 1, 2, 4 यानी कि 7/20, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 7/20 / 3, तो ये तो हमारा नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहा है, तो 1 + 1/4 + 1/2 + 1/1, इसका अगर हम निकाले सम तो ये हमारा हो गया 1 + 2 + 4 यानी कि 7/4, तो इसका हमारा औसत कितना हो जाएगा, तो 7/4 × 3 यानी कि 7/4, यानी कि इसको हम संतुष्ट कौन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, किसी से ये नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका पिछले पार्ट में छूट गया था, मिसिंग था, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी दुकानदार ने कोई टीवी 8% की कटौती, कोई टीवी 8% कटौती देकर 17,940 रुपये का बेचा और उस पर उसे 19.6% का लाभ हुआ, यदि उस टीवी पर कोई कटौती न दी गई होती तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले माना कि टीवी, सबसे पहले हमने मान लिया कि टीवी पे अंकित कितने रुपए किया, कितने यूनिट किया, तो हमने माना कि टीवी पे उसने 100 यूनिट अंकित किया, 100 यूनिट अंकित किया, तो अगर उस पर 8% कटौती देगा तो कितना देगा, तो 92 यूनिट कटौती देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 100 यूनिट अंकित किया और उसे 92 यूनिट में बेच दिया, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, कितने रुपए में खरीदा होगा, तो और कह रहा है कि उसे 19.6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे वो खरीदा कितने में होगा, तो 92 / 119.6 × 100। इस तरह से ये हमारा, अगर इसे टोटली सॉल्व करें, तो अगर इसे हम टोटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसका प्रॉफिट निकालना चाहें, टोटली सॉल्व करके अगर हम इसका प्रॉफिट निकालना चाहें, तो ये हमारा आप देख सकते हो, ये इसका हमारा प्रॉफिट आ रहा है 23.08। प्रॉफिट हमारा होगा कि कह रहा है कि अगर टीवी पर कोई कटौती न दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 92 / 196 × 1000 - 100 यूनिट में 100 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट आएगा हमारा 23.08 यूनिट। प्रॉफिट अगर हम इसे टोटली निकाले इसका प्रॉफिट, तो इसका टोटल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 23.08 यूनिट। तो अगर इसका टोटल प्रॉफिट हमारा 23.08 होगा, बिकॉज हमारा अगर इतना का सॉल्व करें तो ये हमारा आ रहा है 76.92, और ये हमारा आ गया अगर 76.92, अगर हमने इसे
खरीदा 76.92 में, तो हम इसे बेचेंगे कितने में? सॉरी, इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा? अगर हम कोई कटौती नहीं दे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 76.92, इस तरह से हमारा प्रॉफिट आ गया 23.08 यूनिट। 23.08 यूनिट प्रॉफिट हुआ, तो इसमें हमारा कितने परसेंट का लाभ होगा? 23.08 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट, हमेशा हम किस चीज से चेक करते हैं? तो कॉस्ट प्राइस से। तो डिवाइडेड बाई 76.92 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि ये हमारा आ रहा है 30 पॉइंट समथिंग, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन रॉन्ग है। और कोई कोई स्टूडेंट, आप लोग कोई कोई स्टूडेंट क्या करेंगे, किस क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो प्रॉफिट तो हमारा आ गया 23.08%, तो हम इसे मार्केट प्राइस से इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो 23.08 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ जाएगा 23.08%, जो कि आपका ऑप्शन से तो मैच कर जाएगा, बट ये आपका रूल बिल्कुल गलत है। ये आपका रूल क्या गलत है, क्या है गलत है? बिकॉज हमारा जो भी होता है, ये हम जब भी नापते हैं, तो कॉस्ट प्राइस तो 23.08 डिवाइडेड बाई 76.92 मल्टीप्लाई बाई 100 30.0। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के प्रति कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो आपके इसी दिन के रीजनिंग के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दी गई, आप हमारे वो पार्ट्स भी देख सकते हैं। देन बाय एंड टेक केयर।